come back to my tutorial tutorials so again we are going to start with the chapter wise neat series and many of you asked me that i shouldn't stop making the, uh, those neat series which we were making earlier so i'm uh, back again with some new questions so yeah let's get started and one more thing which is important to note here is that in this neat series we are not going to explain each and every question we will be just uh, giving the right answer and we'll be moving right away ahead so yeah let's get started now the first question here is फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट है हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हाँ, अब इसमें स्टेटमेंट को देख लेते हैं द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट्स डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन नेम ऑफ कलेक्टर लोकल नेम साइट ऑफ द प्लांट एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी केम इन नीट टू टू थाउजेंड सिक्सटीन तो ये टू थाउजेंड सिक्सटीन की बात थी जब ये क्वेश्चन आ चुका है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन हाइट ऑफ द प्लांट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग प्लीज अपने पॉइंट्स यहाँ पर नोट करते जाएंगे और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अगर हम पूरी नीट कम्युनिटी अगर यहाँ पर एक फॉर्म कर लेते हैं तो तो ये यह एक चीज यहाँ रहती है क्वेश्चन दैट मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो कॉलम फर्स्ट कॉलम टू फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम डिप्टेरा आर्थ्रोपोडा म्यूसीडी एंड इंसेक्टा सो फैमिली इज म्यूसीडी ऑर्डर इज ऑर्डर इज डिप्टेरा देन क्लास इज इंसेक्टा एंड द फाइलम इज आर्थ्रोपोडा सो द राइट आंसर विल बी अगर हम देखते हैं यहां पर ए अगर थ्री से मैच हो रहा है तो ये दो ऑप्शन में यहां पर आ रहा है फिर हमारा बी ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहा है जो कि इसमें आ रहा है फर्स्ट वाले में तो सेकेंड का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट इस स्टडी द फोर्थ स्टेटमेंट्स ए से डी देखना है हमें जो हमारे सामने है और उसमें से जो दो सही है उनको हमें देखना है यहाँ पर तो डेफिनेशन जो थी बायोलॉजिकल स्पीशीज की वो दी गई थी मेयर के थ्रू फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बायोनोमियल नोम सिस्टम वॉज गिवन बाय आर एच विटेकर या फिर इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनमस विथ ग्रोथ तो यहाँ जो दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे वो हो गए ए और डी ऑप्शन जो कि यहाँ पर है तो इसी वजह से हमारा सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जो डेफिनेशन ऑफ तो स्टेटमेंट्स यहां पर ये वाले सही है कि जो डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल स्पीशीज की अंश मेयर ने दी थी और यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन सीनोनिमस होता है उनकी ग्रोथ के साथ तो ये थर्ड का सी ऑप्शन सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नॉमन क्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमन क्लेचर द नेम्स फॉर रिटन इन लटिन एंड आर इटेलिसाइज्ड वैन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बंडरलाइंड नेक्स्ट या फिर बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज या फिर द फर्स्ट वर्ड इन अयोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड सेकेंड वन इज अ स्पेसिफिक एपिथेट तो सही यहाँ यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्रारी है रूल्स ऑफ नॉमन क्लेचर को लेकर कॉन्ट्रारी का मतलब है कि अपोजिट है जो मानता नहीं है वहां पर रूल को फिफ्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट म्यूजियम एज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की इज एक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसमेंट्स बॉटनिकल गार्डन एव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस सो यहाँ पर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट जो है नहीं है वो बताना था तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा म्यूजियम एज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स of plants and animals. Next. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पटेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली डिवीजन ऑर्डर और जीनस तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा फैमिली फैमिली जो होता है वहां पर उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टेड नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमन क्लेजर एंड करेक्टली डिस्क्राइब मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजार्ड रेप्टाइल प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम अप्रोटोजन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया फेलिस टाइगरिस द इंडियन टाइगर विल वेल

विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मेस्ड विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टाइगर टाइग्रिस स्पीशीज कटल फिश मॉल्स का क्लास ह्यूम्स प्राइमेटा फैमिली हाउस फ्लामस का ऑर्डर एट में यहाँ से आसर ए ऑप्शन हो जाना चाहिए टाइगर टाइग्रिस स्पीशीज नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो इनक्रीज इन मास फ्राम इनसाइड ओनली परसेप्पन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देर मेमोरी इंक्रीज इन मास बाई एक्ूमुलेशन ऑफ मटीरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देर मेमोरी ये जो चीज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम का बेस्ट कररेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हमें कहना चाहिए और एक्सक्लूसिव भी है तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है नेक्स्ट ICBN stands for International Code फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ वॉटनिकल of Biological इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स इंडियन कोड ऑफ वॉटनिकल Biological इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स सही आंसर होगा ए ऑप्शन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सपेक्श एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड मूवमेंट या फिर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच ये थोड़ा सा रिपीटेटिव टाइप लग रहा है लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये रिस्पॉन्सिवनेस टू टच के ऊपर है क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वैसे यहाँ जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ जो सही आंसर होना चाहिए वो ए ऑप्शन होना चाहिए था इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पर यहाँ पर अनएक्सेप्शनली पूछा गया था तो हमारा सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस टू टच नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लाट्स देयर दे अलाओ एक्स सी टू कंजरवेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ सही आंसर होगा सी ऑप्शन जो की है दे अलाओ एक्स सी टू कंजरवेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा जम प्लाज्मा कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन species are considered as real basic units of classification lowest units of classification artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms real units of classification devised by the taxonomist Say answer be a option real basic units of classification next question तो फोर्टीन है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट हम इसको एडजस्ट करेंगे बायोसिस्टमैटिक एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिलिमिटिंग वेरियस टेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टिब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटैलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरस्टिक्स तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा बायोसिस्टमेटिक्स में ये क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का जो कि बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर और एस्टेब्लिश करता है को ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एस कम्पेयर टू जीनस क्लास डिविजन और फैमिली सही आंसर हो जाएगा so, लिखी थी इसलिए हमने यहां पर टिक करा सिक्सटीन का बी ऑप्शन सही है यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑफ ऑप्शन जो कि है टेक्सोनॉमी टेक्सोन taxon जो है वो यूनिट ऑफ ग्रुप होता है टेक्सोनॉमी के अंदर का नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन लिनियस इज क्रेडिटेड विद बायोनोमियल नॉमन क्लेचर ऑफ बायोजेनेसिस डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन नेक्स्ट तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा बायोनोमियल नॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं

तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज स्पीशीज ऑर्डर जीनस या फिर टेक्सॉन सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए डी ऑप्शन जो कि है टेक्सॉन नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेट फैमिली स्पीशीज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेजम या फिर अ टेक्सोमिक्रुप ऑफ एनी रैंकिंग सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैकिंग बेसिक यूनिट्स और स्मॉलेटमिक्लासिफिकेशन इज स्पीशीज फैमिली किंगडम या फिर वेराइटी सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन स्पीशीज नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तो लिनियस इवॉल्ड सिस्टम ऑफ नॉम एन क्लेचर कॉल्ड का जो सिस्टम था उसे क्या कहा जाता है मोनोमियल वर्नेक्यूलर बाइनोमियल या फिर पॉलीनोमियल तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया था 25th द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंथम एंड हुकर लीनियस जूलियन हक्सले या फिर एबी डेकन डोल तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन जूलियन हक्सले नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाई डी कैंडोल लीनियस डेकंडोल लीनियस थियोफ्रेस्टस या फिर डार्विन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा थियोफ्रेस्टस ने स्टेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिए थे और उनका यहाँ पर नाम है इट वॉज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड विच वी हैव कंप्लीटेड एंड वी सॉ टोटल ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन सो यू हैव टू मैन योर मार्क्स आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल्सो डोंट वर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग